लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मुल्क का सियासी पारा चढ़ रहा है। देश के सभी राजनीतिक दल इलेक्शन की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग भी जोरों पर है। इसी क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और मेरठ से भाजपा सांसद संजीव बालियान ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की पैरवी की है, तो वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक ने ही बालियान के इस बयान पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कुछ कहा है वो आपको बताएं, उससे पहले संजीव बालियान का वह बयान देख लीजिए। क्रांति धारा पर हूं, 1857 की क्रांति का आगाज इसी शहर से हुआ और भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है मेरठ। मैं तो उम्मीद है कि एक दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनेगा और मेरठ उसकी राजधानी होगा। मैं तो सपने को बहुत दिन से देख रहा हूं। दरअसल 1 अक्टूबर को एक आयोजित सम्मेलन में पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने को लेकर बालियान ने यह मांग की थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाना चाहिए और मेरठ को इस राज्य की राजधानी बनाया जाना चाहिए, जिसके बाद से अब उनकी ही पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने पत्रकारों से बात करते हुए उनकी इस पैरवी को गलत ठहरा दिया है। खुद ही सुन लीजिए कि आखिर क्या कुछ कहा है संगीत सोम ने। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। एक वर्ग की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। कितनी नगर पंचायत है, कितनी नगर पालिका है, 70-80% है। आप यहाँ क्या ये चाहते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी में रहे? हमारी बिल्कुल ये मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि अब जितने भी NCR के हमारे जिले हैं या पश्चिम के जिले हैं, दिल्ली को वृहद प्रदेश बना के उसमें जोड़िए जाए। अब यूपी को बांटे जाने को लेकर के बीजेपी के ही दो नेता आमने सामने हो गए। संगीत सोम का कहना है कि अगर पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाया जाएगा तो पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। अब आप इन दोनों नेताओं के इस बयान से कितना सहमत है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। VK न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।